नाज़रीन, दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद, मैं डॉक्टर बाबरा राणा के साथ हूँ। वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान में इंतखाब अहमद आपकी खिदमत में वैंकूवर की सरगर्मियाँ लेकर हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन, वैंकूवर में यहाँ की सियासी समाजी एसोसिएशन जो हैं वो अपने अपने प्रोग्राम करती रहती हैं, लेकिन इस दफ़ा का प्रोग्राम काफ़ी यूनिक है, जो कि पाकिस्तानी कैनेडियन वीमेन सोसाइटी ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक सर्वे किया, और वो सर्वे हमारी ज़ुबान सकाफत से मुतालिक है, और जिसमें हमने अपने आप को बहुत निगलेक्ट किया है। नाज़रीन, जैसे ही हम पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं तो हमारे लिए ग्रीन पासपोर्ट हमारी शिनाख्त होता है, इसी तरह हमारी कौमी ज़ुबान भी हमारी शिनाख्त होनी चाहिए। हम ग्रीन पासपोर्ट के लिए तो अपनी शिनाख्त को बरकरार रखे हुए हैं, लेकिन अपनी कौमी ज़ुबान की शिनाख्त को हमने नहीं बरकरार रखा। तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट की जो मुख्तलिफ रिसोर्सेज होते हैं वो उनमें कमी पाई जाती है, ख़ास तौर पर हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और गवर्नमेंट के ऐसे इदारे जहाँ पे मल्टीलिंगुअल ऑलरेडी राइज है लेकिन उसमें उर्दू का नाम निशान नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी काविश है जो कि बीसी गवर्नमेंट के साथ मिलकर पाकिस्तानी कैनेडियन वीमेन सोसाइटी ने की, और इसके मुख्तलिफ फोरम्स हुए हैं जहाँ पे लोगों से डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, और मैं तो चाहूँगा कि हम लोग सब मिलकर इसमें पार्टिसिपेट करें और गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज हैं उन्हें कंप्लीट तौर पे अब हासिल करने की कोशिश की जाए, ना कि हमें वहाँ पे जब हमें बाइलिंगुअल की ज़रूरत पड़ती है, ख़ास तौर पे ओल्ड एज होम में, और जहाँ पे हम ओल्ड एज होम्स हो गए या दूसरी जगह जैसे हॉस्पिटल्स हैं, पब्लिक स्कूल्स हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, वहाँ पे उर्दू का नाम जो है वो ना होने के बराबर है, जबकि पंजाबी और दूसरी ज़ुबानें जो हैं, हिंदी और पर्शियन, अरबिक और भी बहुत सारी ज़ुबानें जो हैं उनकी उनको रिकग्नाइज़ किया गया है, और उनकी इस ज़ुबान में जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं वो मालूमात काफ़ी मिल जाती हैं जब आपको ज़रूरत पड़ती है। पाकिस्तानी कैनेडियन वीमेन सोसाइटी ने जो बेड़ा उठाया है बीसी गवर्नमेंट के साथ मिलकर वो एक काबिले सताइश अमल है। तो हम चाहेंगे कि आप अपने जब भी आपको रेफरेंडम हो या दूसरी इंफॉर्मेशन जो आप गवर्नमेंट को अपने तहीं दे सकते हैं वो ज़रूर इंफॉर्मेशन पहुंचाएं, और ऐसे सेमिनार्स में, ऐसी जगहों पे जहां पे डाटा कलेक्ट किया जाता है आप ज़रूर अपना हिस्सा डालें, ताकि जो हम अपनी इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट को दें, और उन्हें गवर्नमेंट को हमारी डेमोग्राफी का पता चले। ना हम वोट देने में आगे आते हैं, ना किसी पार्टी का हिस्सा बनते हैं, और हम अपनी अपनी छोटी छोटी सोसाइटियां बनाकर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन हम बड़े पैमाने पर कोई ऐसा काम नहीं करते जिसमें हम अपने बंदे लेजिस्लेशन असेंबली में भेज सकें। देखते रहिए वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान। गिलगित से ग्वादर तक ये धरती हमारी है, गिलगित से ग्वादर तक ये धरती हमारी है, ये माँ हमारी है, ये जान हमारी है। अदल मदीना हो, इंसाफ कजीना हो, नेकी हो अमल अपना, यही राह हमारी है। गिलगित से ग्वादर तक ये धरती हमारी है, ये माँ हमारी है, ये जान हमारी है।
ਕਦੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੱਲਿਆਂ ਜੇ ਆਖੋ ਵੀ ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ ਫੁੱਫੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਆਹਤਾ, ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ ਫੁੱਫੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਆਹਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਬਾਤਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉਰਦੂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਖੁਸਰੋ ਕੀ ਪਹੇਲੀ, ਮੈਂ ਮੀਰ ਕੀ ਹਮਰਾਜ ਹੂੰ, ਗਾਲਿਬ ਕੀ ਸਹੇਲੀ। Sundays at 3:30 p.m., Dil Apna Pakistan brings you Canadians with roots in Pakistan and features community information and entertainment. नाज़रीन, दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद, आज डॉक्टर राणा के साथ। आप प्रेसिडेंट भी हैं और सरकर्दा मेंबर होना भी बहुत ज़रूरी है, तो आइए इन्हीं से, इन्हीं की ज़ुबानी पूछते हैं आज यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी दिल अपना पाकिस्तान का कि हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि हम पब्लिक को बता सकें कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वो ये रहा है कि PCWS और इसके अलावा सारे वुमेन सेंटर जो है वो मिल के एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिसको कि रचना सिंह जो है, जो कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है फॉर एंटी रेसिज्म जो है, वो इसको जो है हेड करी है या उसने उसको इनिशिएट किया है। अब वो ये, और ये जो प्रोजेक्ट है ये फंडेड है बाय द गवर्नमेंट। इसमें प्रोजेक्ट में ये हो रहा है कि वो लेजिस्लेशन जो है ना वो चेंज करना चाहते हैं, एंटी रेसिज्म जो है उसको लेजिस्लेशन को जो है ना वो चेंज करना चाहते हैं और उसको ऐसा बनाना चाहते हैं कि उसमें फिर जो है जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए या उनको बुरा ट्रीट ना किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है कि फर्स्ट नेशन जो है उनके साथ क्या कुछ हुआ है, तो वो इसको लेजिस्लेशन को इसकी वजह से जो है ना चेंज करना चाहते हैं। तो उसको चेंज करने के लिए जो प्रोसेस उन्होंने रखा है वो उन्होंने ये रखा है कि वो जो है ये पब्लिक जो है ना ये फोरम करवा रहे हैं या डिस्कशन फोरम करवा रहे हैं कि पब्लिक की जो है फीडबैक ले सके कि हम लोग जो हैं वो किस तरह से चाहते हैं कि हमारा डेटा जो है वो गवर्नमेंट कलेक्ट करे, उनको किस चीज़ों के लिए यूज़ करे और क्या उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह जो है वो होने चाहिए। और इसके अलावा जो है वो दूसरे स्टेक होल्डर्स जो हैं उसको भी इस डिस्कशन जो है ना उसके अंदर इंक्लूड करें। तो मेरी नज़र में जो है ना ये हमारी कम्युनिटीज़ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम जो है इसमें पार्टिसिपेट करें और अपनी ओपिनियन दें, क्योंकि अगर हम अपनी ओपिनियन नहीं देंगे और कल को वो चेंज कर देंगे इस लेजिस्लेशन को और वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होगा तो हमें उससे प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए बेहतर यह है कि आप पहले से आएँ, ये हम बहुत सारे डिस्कशन फोरम्स कर रहे हैं, उनमें पार्टिसिपेट करें, अपनी ओपिनियन दें ताकि फिर वो ओपिनियन जो है वो यूज़ हो सके टू चेंज द लेजिस्लेशन। वेरी गुड। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट दैट, पीपल हु नो उर्दू, हु स्पीक उर्दू एज वेल, but for our kids generally they don't speak Urdu among even themselves with their friends, and but they are coming in the same category as a South Asian, or their ethnicity remains the same, but I don't know how they are going to be to get benefited, like because they are identified as South Asians. Yes. So but that is what they are asking. Yes. For example, on my table when I was having this discussion, everybody said that they don't want to be identified as South Asians. Right. They want to be identified as Canadians. Right. So right. That is like, that's the feedback they want. Like, how do you want to be identified? Do you want to be identified as South Asians? Do you want your religion to be there? Like, do you want to identify being a Muslim? So that's what they're asking you. So you are the one who has to tell them, what do you want? If you don't want to be identified as South Asians, then you have to say that. You have to say that we are Canadians. Right, we have right. been living here for a long time and we are Canadians. So, what other participation can do our community to get more benefited? Because if the government is giving us funding, us means to the different societies, government is giving funding. So, what do you think about how to approach them and how to, as you said, change the legislation? What is the easiest way to get the things done in right way?
That's what we are doing here. Government is providing funding to have these sections, right? So we can rent the halls and we can provide the food so people can come and participate. And if we need to hire people to do the work, for example, at the end, we are supposed to write a report. So if we need to hire somebody to write the report, right. So we can do that, right? So that's what is happening. So main thing is coming to these sessions, participating, giving your feedback. So government can look at that feedback and then make the appropriate changes. Thank you very much. So the appropriate changes are needed in the government legislation. So I urge our people to participate in these kind of forums. Thank you very much. Thank you. पहले तो मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ बाबरा राणा, PCWS, फरजाना आलम और जितने भी PCWS के नुमाइंदे हैं यहाँ पे शामिल हैं उनके सबकी और सरी वुमन सेंटर. आई डोंट सी शहनाज ओवर हियर बट आई सी सरबजीत, राइट? सरबजीत एंड थैंक यू सो मच. लास्ट ईयर इट हैज बीन एग्जैक्टली वन ईयर दैट आई वाज अपॉइंटेड एज द पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर एंटी रेसिज्म इनिशिएटिव्स. एंड इन द मैंडेट लेटर दैट द प्रीमियर हॉर्डन गेव टू मी, ही टास्क मी विद टू मैंडेट्स. वन वॉज विद द एंटी रेसिज्म डेटा लेजिस्लेशन. And the second was the broader Anti-Racism Act. We know a lot of times that when we talk about the data, people get confused because the data is a very technical term. But I will try to make it as simplified. I'm sure you've had a lot of discussion about it. But like what we were looking out of it, what we are seeking out of it. We know that systemic racism is an issue here in Canada. A lot of times we look at racism and we look at the individual acts of racism. Like if somebody says something to you or if some incident happens with you, we take that as racism. But what is the bigger issue is the systemic nature of racism. The racism that is embedded in our systems, embedded within our policies, and the government is not immune to it. Government still has some policies, not some, I would say a lot of their policies are quite racist towards the marginalized population. How those policies affect the indigenous populations, how they affect the black communities, and how they affect the racialized communities like ours. So we really wanted to know what is impacting us. And the community has been asking for the data. What the issue was that in British Columbia, our province, either the data was not collected, or if it was collected, it was in a very disproportionate way. There was not any set rules to collect that data. And a lot of times, if we look historically, when the data was collected, it was to further stigmatize those marginalized communities. And I will just give you one example. Governments always have moral and ethical responsibility to tackle this. But they cannot do it without the key support of what you are providing us. So thank you to all, each one of you. You all are making such a huge difference. So, bravo to you. से ग्वादर तक ये धरती हमारी है, गिलगित से ग्वादर तक ये धरती हमारी है, ये माँ हमारी है, ये जान हमारी है. अदल मदीना हो, इंसाफ कजीना हो, नेकी हो अमल अपना, यही राह हमारी है. गिलगित से ग्वादर तक ये धरती हमारी है, ये माँ हमारी है, ये जान हमारी है. ये अहद हमारा है, कुछ करके दिखाना है, तालीम की दौलत को घर घर फैलाना है, मनफी सियासत को
है वहाँ से भगाना है मुल्की लुटेरों को अब सबक सिखाना है अदल मदीना हो इंसाफ कजीना हो नेकी हो अमल अपना यही राह हमारी है गिलगित से गवादर तक ये धरती हमारी है ये माँ हमारी है ये जान हमारी है वतन अपनी तरजीह हमारी है अब राह तरक्की पे नजरें हमारी है घर से जो हम निकले ये अज़्म लिए सारे औलाद के मानद है शीशे से भी भारी है दिल अपना पाकिस्तान ये जान हमारी है ये शान हमारी है ये आन हमारी है गिलगित से गवादर तक ये धरती हमारी है ये माँ हमारी है हम जान से प्यारी है अदल मदीना हो इंसाफ कजीना हो नेकी हो अमल अपना यही राह हमारी है गिलगित से गवादर तक ये धरती हमारी है ये माँ हमारी है हम जान से प्यारी है ये माँ हमारी है हम जान से प्यारी है ये माँ हमारी है हम जान से प्यारी है मेरा नाम उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरों की पहेली मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली वाह उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरों की पहेली दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया वाह सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया है मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया क्या कहने भाई वाह 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 है मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया क्या शख्सियत के मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरों की पहेली गालिब ने बुलंदी का सफर मुझको सिखाया हाली ने मुरव्वत का सबक याद दिलाया इकबाल ने आईना हक मुझको दिखाया क्या कहे इकबाल ने आईना हक मुझको दिखाया मोमिन ने सजाई मेरे ख्वाबों की हवेली वाह उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरों की पहेली है ज़ौक की अजमत के दिए मुझको सहारे चकबस्त की उल्फत ने मेरे ख्वाब संवारे पानी ने सजाए मेरी पलकों पे सितारे पानी ने सजाए मेरी पलकों पे सितारे अकबर ने रचाई मेरी बेरंग हथेली बहुत अच्छा है भाई वाह वाह है मेरा नाम भाई कितनी नफासत से कहा है वाह वाह है मेरा नाम मैं खुसरों की पहेली क्यों मुझको बनाते हो ताअसुब का निशाना
मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना, वाह वाह वाह, तू मुझको बनाते हो तासुब का निशाना। मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना, देखा था कभी मैंने भी खुशियों का जमाना, देखा था कभी मैंने भी खुशियों का जमाना। अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली, बहुत अच्छा है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। डॉक्टर ताहिर शहीर साहब को पहले एक पंजाबी नज़्म कवारियां दी फरियाद कि वो इत्ते की फील कर देने। अच्छा जी, मेरे इस गम दा उपा क्यों नहीं कर दे, मेरे इस गम दा उपा क्यों नहीं कर दे, मेरा हुन छेती ना व्याह क्यों नहीं कर दे। कदी लोकी कहंदे सन गबरू जवान, कदी लोकी कहंदे सन गबरू जवान आ, हुन ते ख्याल करो मैं भी इंसान हाँ। कदी लोकी कहंदे सन गबरू जवान आ, हुन ते ख्याल करो मैं भी इंसान हाँ। और लम्मियां कहानियां च पै नहीं सकदा, कल्लियां जे आखो भी ते रह नहीं सकदा। और मामे चाचे फुफियां ने सब नू व्याहता, मामे चाचे फुफियां ने सब नू व्याहता। और मेरी वारी तुसी इस गल नू दबाता, मेरी वारी तुसी इस गल नू दबाता, मेरी गल मेरे दिल विच रह गई है, और मेरी वारी सारयां नू मौत पै गई है। अपने परायां वाले भेद सब खुल गए, असी फिर ईद उत्ते कल्ले ही रुल गए, और मोटे हाँ तो फिर की है, यो समझाने किसी के प्यो दे कोलो लैके तो नहीं खाने, मोटे हाँ तो फिर की है, सच्ची गल है, यो समझाने किसी के प्यो दे कोलो लैके तो नहीं खाने। साढ़े जे कई मतवाले भी तो होंगे ने, वो काले हाँ तो फिर की है, काले भी तो होंगे ने। सच पुछो लोगों दियाँ सोचा उत्ते जाला है, सच पुछो लोगों दियाँ सोचा उत्ते जाला है, और लैला भी तो काली सी, ओबामा भी तो काला है, और एवें किसी गल उत्ते अड़ना फजूल है, और जिंज की भी कुड़ी है कबूल है कबूल है। दसो किनू दिल वाले दुखड़े सुनावा, मेरे हक मारे सारे अब्बे ते भरावा, और आखा जे भरा नू भाभी डैन बन जाती है, आखा जे भरा नू भाभी डैन बन जाती है, मेरी वारी हर कुड़ी भैन बन जाती है। अब्बा कहंदा चल पुत गुस्सा हुण जान दे, अब्बा कहंदा चल पुत गुस्सा हुण जान दे, तेरी फेर सही पहले निके दी करान दे। अब्बा कहंदा चल पुत गुस्सा हुण जान दे, तेरी फेर सही पहले निके दी करान दे। और वाजे वालिया नू कई चांस दे बैठा वा, मैं ते हाल दा भी एडवांस दे बैठा वा। और अंजान देखिए कि सुन फरियाद मेरी रिश्ता जे लभिया, सुन फरियाद मेरी रिश्ता जे लभिया, ओए अपनी करा के फिर बह गया अब्बिया। यानी मेरा किहो जिहा रिश्ता कराया है, वोटी नहीं लियांदी नवी मां लै आया है। मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तू हुस्ने चमन तू ही रंगे बहार, तू मेरा जे फन तू ही फन का सिंगार, मुसव्विर हूं मैं तू मेरा शाहकार। मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तू मेरा जे फन तू ही फन का सिंगार, मैं तू मुसव मैं तेरा शाहकार। ये सुबह ये शामें ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हंसी कायनात, के हूरो मलाइक वो जिन्नात में किया है तुझे अशरफुल मखलूकात। मेरी अजमतों का हवाला है तू, तू ही रोशनी है उजाला है तू, फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया कि तेरे लिए मैंने क्या ना किया। ये दुनिया जहां बज्म आराइयां, ये महफिल ये मेले ये तन्हाइयां, फलक का तुझे शामियाना दिया, जमीन
भूमि पर तुझे आप दाना दिया, मिले आप शारों से भी हौसले, पहाड़ों में तुझको दिए रास्ते, ये पानी हवा और ये शमसो कमर, ये मौजे रमा ये किनारा भंवर, ये शाखों पे गुंचे चटकते हुए, फलक पे सितारे चमकते हुए, ये सब्जे ये फूलों भरी क्यारियां, ये पंछी ये उड़ती हुई तितलियां, ये शोला ये शबनम ये मिट्टी ये संग, ये झरनों के बजते हुए जल तरंग, ये झीलों में हंसते हुए से कमल, ये धरती पे मौसम की लिखी गजल, ये झीलों में हंसते हुए से कमल, ये धरती पे मौसम की लिखी गजल, ये सर्दी ये गर्मी ये बारिश ये धूप ये चेहरा ये कद और ये रंगो रूप, दरिंदों चरिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई देकर के बाजू दिया, बहन दी तुझे और शरीक के सफर, ये रिश्ते ये नाते घराना ये घर, के औलाद भी दी दिए वालेदैन, अलिफ लाम मीम काफ और ऐन गैन, ये अक्लो जहानत शऊर ओ नजर, ये बस्ती ये सहरा ये खुशकी ये तर, और उस पर किताब हिदायत भी दी, नबी भी उतारे शरीयत भी दी, गरज के सभी कुछ है तेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए। वाह every person who is in the hospital sick with COVID-19 right now is vaccinated. I'm going to repeat that. Virtually, it's a fact. Virtually every person who is in the hospital right now sick with COVID-19 is vaccinated. And even more regrettably, virtually every person who has recently died from COVID-19 was vaccinated. The loss, the tragedy of that loss, literally every person who has died from COVID-19 that we have recently been seeing was vaccinated. चले वो जो साए में आई मसलहत के पले, वो जो साए में आई मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मान, मैं नहीं जानता मैं नहीं।